एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट द रिएक्शन मैकेनिज्म। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कोडिंगर वेव इक्वेशन पे, जो न्यूमेरिकल्स आता है उस पे। ठीक है, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, वन लाइन में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है पहले वो समझेंगे। देखो, इस प्रकार से बेटा जी क्वेश्चन आता है कि द वेव फंक्शन साई ऑफ 2s इज गिवेन बाई साई 2s इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2π 1/a0 पावर 1/2। ठीक है, फिर 2 - r a0 इंटू ई के पावर -r/2a0। इस प्रकार से कोई एक इक्वेशन आपको दिया रहेगा, फंक्शन आपको दिया रहेगा। ठीक है, और आगे क्या है, एट r इजकल टू r0, r की जगह पे क्या है r0, रेडियल नोट्स है। ठीक है, इस फार कह रहा है कि r, जब r0 है तो रेडियल नोट बनता है, दस फार 2s। इसलिए पूछ रहा है आपसे कि 2s r0 इन टर्म ऑफ a0 इज, कह रहा है कि अगर 2s है हमारा तो उसके लिए r0 a0 के टर्म में क्या होगा, मतलब r0 a0 का रिलेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए r0 इक्वल टू a0, ऑप्शन बी r0 इक्वल टू 2a0, ऑप्शन सी r0 इक्वल टू a0/2, फिर ऑप्शन डी r0 इक्वल टू 4a0। बहुत ही इजी है। इसको करने से पहले हमें एक चीज़ समझना है कि जो स्कोडिंगर वेव इक्वेशन होता है इसमें इनकी वैल्यू होती क्या है, तब तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। स्कोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसका ये हमारा इक्वेशन होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं d² psi / dx² + d² psi / dy² d psi² यहाँ पर ये डेल्टा हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, या डेल्टा भी बोल सकते हैं आप, d भी बोल सकते हैं, डेल्टा psi² / dz² ठीक है, 8π² m/h² e-v psi, ये हम लोग जानते हैं कि इसी को हम बोलते हैं स्कोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन हायर क्लासेस में आपको किया जाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं, जहाँ पर x, y, z क्या है, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, m क्या है, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट है, एंड साई जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो साई है यही हमारा क्या है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें तो पता है कि स्कोडिंगर वेव इक्वेशन इसको कहते हैं, लेकिन इसका जो फायदा क्या है, इससे हमें, ये हम लोग लिखते क्यों हैं या इससे हमें पता क्या चलता है, वो हम पहले समझ लेते हैं, तब हम उस न्यूमेरिकल को एक सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। स्कोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें एक फायदा है क्या, कि हम रेडियल पार्ट निकाल सकते हैं वेव फंक्शन का, जिसे द रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर सम ऑर्बिटल, कोई कुछ ऑर्बिटल हैं जिनके लिए रेडियल हमारा जो पार्ट है वो पता चल सकता है। जैसे 1s, यहाँ 1 लिखा है तो n की वैल्यू क्या है, 1 है, यस के लिए यल की वैल्यू क्या होती है, 0, और जो रेडियल पार्ट है, ठीक है, n और यल का, वह क्या है, 2z/a0 / 3/2 e-z/r a0, ये किसके लिए होता है, 1s के लिए। ठीक है, रेडियल पार्ट। उसी प्रकार से 2s के लिए क्या होता है, 2 यहाँ पर लिखा है तो ये हमारा n की वैल्यू क्या होगी, 2, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, क्वांटम नंबर से। ठीक है, और इस ये क्या है रेडियल पार्ट इसका, z/2a0 / 3/2 ठीक है, पावर 2 - z/r a0 ठीक है, e-z/2/2a0 ठीक है, ये हमारा किसके लिए होता है, 2s के लिए। उसी प्रकार से हमारा 2p के लिए क्या होता है, ठीक है, 2 यहाँ लिखा हुआ है तो 2 n की वैल्यू हो जाएगी, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1/√3 z/r/2a0 / 3/2 z/r/a0 e-z/r/2a0। यहाँ पर z क्या है, z है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर हाइड्रोजन होगा तो z की जगह पे क्या लिख देंगे, 1। तो ये हमें पता है कि ये स्कोडिंगर वेव से मिलता है हमके। ठीक है, क्या, रेडियल पार्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, ये हमारा वेव फंक्शन दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे क्वेश्चन में बेटा जी ये जो पार्ट है, ठीक है, यही पार्ट पे आपको फोकस करना है इसके। ठीक है, जो e-r/2a0 है, इसके जो यहाँ पे टर्म्स हैं ये, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, और पूरे क्वेश्चन से आपके मतलब नहीं है, बस इसी पे, चाहे जो भी न्यूमेरिकल हो आपको इसी पे फोकस करना है, 2 - r/a0 ये वाला टर्म। ठीक है, इसके साथ जो मल्टीपल वाला टर्म है इस पे फोकस करिए। ठीक है, और एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा जी कह रहा है r = r0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन
आर बराबर जब आर नाट हो जाए तो उस समय जो साई टू एस की वैल्यू है, ठीक है, वो वेव फंक्शन की, वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इस इक्वेशन के हिसाब से ये जो पूरी वैल्यू है उसको किसके बराबर रखोगे तुम, जीरो के बराबर रखो, याद रखना यही बस मेन टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो टू माइनस आर, अब आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे इसको, आर नाट, क्योंकि आर की जगह पर आर नाट पूछा हुआ है, अपान ए नाट बराबर क्या, जीरो। इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आंसर, आर नाट इजकल टू, ये इधर चला जाएगा ए नाट, टू इधर जाएगा तो टू, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आर नाट इजकल टू क्या हो जाएगा, टू ए नाट, ठीक है। आर नाट इजकल टू क्या हो जाएगा, टू ए नाट। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पूरे में क्या कौन सा टर्म यूज करना है, इस टर्म पे फोकस करना है, ठीक है। टू एस के लिए जब आर इजकल टू आर नाट हो तो रेडियल नोट उसमें टू एस के लिए जो वेव फंक्शन साई टू एस है उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अब जब जीरो हो जाएगी तो ये पूरा टर्म क्या है, टू माइनस आर अपान ए नाट, यही हमारा बताएगा, रेडियल नोट ये है, तो इसके थ्रू हम निकाल लेंगे पूरी वैल्यू। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, बेनिफिट हुआ हो आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ाते रहेंगे। अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के आपको बताऊँगा। चिल्ड्रेन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।